नमस्कार, द पब्लिक मैटर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। चंपावत की ग्राम सभा एड़ी गुरौली में अमृत सरोवर का कार्य मनरेगा के तहत शुरू हो चुका है। बता दें, आजादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के निर्णय के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में तालाब के निर्माण और इनके जीर्णोद्धार पर काम शुरू कर दिया गया है। अमृत सरोवर नाम से बनने वाले इन तालाबों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए जिले के विकास आयुक्त को निर्देश जारी किए गए हैं। एड़ी गुरौली ग्राम सभा में मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। अमृत सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत बड़ा इसमें पानी का संग्रहालय होगा, पानी रुकेगा इसमें, बहुत बड़ा तालाब बनेगा, आप देख सकते हो। चंपावत के सीमांत क्षेत्र के ग्राम नीड़ में एक 17 वर्षीय किशोर की नदी में डूबने से मौत हुई। तहसीलदार ज्योति धपवाल व ग्राम प्रधान रमेश राम ने बताया, 17 वर्षीय दीपक राम पुत्र हयात राम अपने परिवार की दो महिलाओं संग शुक्रवार को पास के ही गांव में निमंत्रण पर जा रहा था। लोहावती नदी पार करते समय उसका पैर फिसल गया और नदी में जा गिरा। तैरना न आने के चलते दीपक नदी में डूब गया। सूचना पर पुलिस, राजस्व और SDRF की टीम पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाया, दीपक को खोजा गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान रमेश राम ने बताया, पुलिस द्वारा दीपक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और छात्र की मौत से शोक की लहर छाई है। आपको बता दें, मृतक नीट के ग्राम प्रधान का चचेरा भाई था और इस बार ही उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। चंपावत में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने चालू वित्तीय वर्ष में जिला योजना के लिए विभागों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने बताया, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिला योजना में 42,82,00,000 रुपए के प्रस्ताव परिव्यय के सापेक्ष 14,27,00,000 रुपए अवमुक्त हुए हैं। जिला योजना समिति की बैठक में इसे विभागवार अनुमोदित किया जाएगा। DM ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। देखिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हमने कहा।